दोस्तों, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप लोग को मैं 15 ऐसे नियम बताने जा रहा हूं जो आप जानने के बाद बहुत ही लाभ उठा सकते हैं। जैसे आपके घर की महिला को कोई गिरफ्तार करता है तो कितने बजे के बाद गिरफ्तार कर सकता है, कितने बजे के बाद गिरफ्तार नहीं कर सकता है। और दोस्तों, अगर कोई बालिक लड़का या लड़की अपने मर्जी से लिविंग रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो ये गैर कानूनी है या नहीं है, और उनसे होने वाले बच्चे को उनके बाप के हक में हकदार है कि नहीं है। और दोस्तों, अगर आपके घर सिलेंडर खाना बनाते समय फट जाता है तो आप कितने लाख रुपए का पाने का हकदार हैं, ऐसे ही 15 नियम मैं बताने जा रहा हूं। चलिए दोस्तों, मैं हूं कुमार प्रदीप, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों, चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। नंबर एक, सीआरपीसी की धारा 46 के अनुसार किसी भी महिला को शाम 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। नंबर दो, आईपीसी की धारा 166A के अनुसार पुलिस ऑफिसर एफआईआर लिखवाने से मना नहीं कर सकते, ऐसा करने पर उन्हें 6 महीने से 1 वर्ष की जेल हो सकती है। नंबर चार, भारतीय शरीय अधिनियम 1887 के अनुसार कोई भी होटल, चाहे वह 5 स्टार ही क्यों ना हो, वह आपको फ्री में पानी पीने से और बाथरूम इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता है। नंबर पाँच, आईपीसी की धारा 498 के अनुसार कोई भी शादीशुदा व्यक्ति किसी अविवाहित लड़की या विधवा महिला से उसकी सहमति से शारीरिक संबंध मनाता है तो यह अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। नंबर छः, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अनुसार यदि कोई दो बालिक लड़का या लड़की अपने मर्जी से लिविंग रिलेशनशिप में रहने चाहते हैं तो यह गैर कानूनी नहीं है। बता दें कि दोनों से पैदा होने वाली संतान भी गैर कानूनी नहीं है और संतान को अपने पिता की संपत्ति में हक भी मिलेगा। नंबर सात, पुलिस अधिनियम 1861 के अनुसार पुलिस अधिकारी हमेशा ही ड्यूटी पर होते हैं, चाहे वह वर्दी पहने हो या नहीं। यदि कोई व्यक्ति इस अधिकारी से कोई शिकायत करता है तो वह अधिकारी यह नहीं कह सकता कि वह पीड़ित की मदद नहीं कर सकता, क्योंकि वह ड्यूटी पर नहीं है। नंबर आठ, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के अनुसार किसी भी कंपनी में काम करने वाले गर्भवती महिला को नौकरी से नहीं निकाला जा सकता है, ऐसा करने पर 3 साल तक की सजा हो सकती है। नंबर नौ, आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार टैक्स उल्लंघन के मामले में कर वसूली अधिकारी को आपको गिरफ्तार करने का अधिकार है, लेकिन गिरफ्तार करने से पहले उसे आपको नोटिस भेजना पड़ेगा। केवल टैक्स कमिश्नर यह फैसला करता है कि आपको कितनी देर तक हिरासत में रखा जाता है। नंबर 10, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के अनुसार तलाक लेने के कई आधार हो सकते हैं, जैसे पति पत्नी एक दूसरे के अलावा किसी और के साथ शारीरिक संबंध बनाना या मानसिक प्रताड़ना, नपुंसकता, बिना बताए छोड़कर जाना, हिंदू धर्म छोड़कर कोई और धर्म अपना लेना, पागलपन या लाइलाज बीमारी, घर से वैराग्य हो जाना और 7 वर्ष तक कोई अता पता न होना। इन आधार पर तलाक की अर्जी दाखिल की जा सकती है। नंबर 11, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 के अनुसार मोटरसाइकिल चालकों को हेलमेट पहनने का प्रावधान है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 128 में बाइक पर दो व्यक्तियों का बैठने का प्रावधान है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस के द्वारा गाड़ी या मोटरसाइकिल से चाबी निकालना बिल्कुल ही गैर कानूनी है। इसके लिए आप चाहें तो उस कांस्टेबल या अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। नंबर 12, सीआरपीसी की अधिनियम 1973 के अनुसार केवल महिला पुलिसकर्मी ही महिलाओं को गिरफ्तार कर थाने ले जा सकती है। पुरुष पुलिसकर्मियों को महिलाओं को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है। कोई गंभीर अपराध के मामले में मजिस्ट्रेट से लिखित आदेश प्राप्त होने पर ही कोई पुलिसकर्मी किसी महिला को गिरफ्तार कर सकता है। नंबर 13, दोस्तों बता दें कि बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि यदि उनका गैस सिलेंडर खाना बनाते समय फट जाए तो आप जान व माल की भरपाई के लिए गैस कंपनी से 40 लाख रुपए तक की सहायता के हकदार हैं। नंबर 14, अधिकतम खुदरा मूल्य अधिनियम के अनुसार कोई भी दुकानदार किसी भी प्रोडक्ट के लिए उस पर अंकित मूल्य से अधिक रुपए नहीं मांग सकता है। हालांकि उपभोक्ता अधिनियम प्रिंट के मूल्य से कम पर प्रोडक्ट खरीदने के लिए दुकानदार से भाव तौल कर सकता है।
परिसीमा अधिनियम 1963 के अनुसार यदि आपकी कंपनी आपको सैलरी नहीं देती है तो आप 3 साल के अंदर कभी भी रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं। हालांकि बता दें, अगर आप 3 साल के बाद कोई भी रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं तो आपको कोई भी लाभ नहीं हो पाएगा। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भेजना तो भूलें ही मत, क्योंकि उन्हें भी पता होनी चाहिए ये 15 नियम, अगर वो भारत के नागरिक हैं तो। धन्यवाद।